नमस्कार, मैं गौरी, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। रीवा जिले में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का काला सच आए दिन सामने आता रहता है। जिस प्रकार से सरकारी अस्पताल को उपेक्षित करके डॉक्टरों द्वारा निजी अस्पतालों को बढ़ावा देकर मरीजों से इलाज के नाम पर लूटपाट हो रही है, व्यवस्था के प्रति कई सवाल खड़े होने लाजमी है। ताजा मामला रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित प्रार्थना हॉस्पिटल से सामने आया। यहाँ एक प्रसूता की मौत होने के बाद बवाल खड़ा हो गया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर को महिला पेशेंट को दिखाया गया और डॉक्टर की सलाह पर प्रार्थना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब भर्ती हुई थी तभी उसकी हालत ठीक नहीं थी, प्रसव के बाद भी स्वस्थ थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही और मरीज को सीरियस बनाकर रुपए अटने की नियति से चलती प्रसूता काल के गाल में समा गई। प्रसूता की मौत के बाद प्रार्थना हॉस्पिटल में हंगामा हो गया। अस्पताल प्रबंधक को तत्काल पुलिस बुलानी पड़ गई और पीड़ित परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगाया। कहा कि मनमाने रुपए वसूलने के लिए जानबूझकर मरीज के हालत को सीरियस बनाया गया और फिर डॉक्टरों की लापरवाही से ही प्रसूता की जान चली गई। आइए सुनाते हैं पीड़ित परिजनों का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, साथ ही जानते हैं प्रार्थना हॉस्पिटल के डॉक्टरों का पक्ष। मनीष कुमार द्विवेदी। क्या घटना हुई? घटना हुई, मैं 29 तारीख को अपनी सिस्टर को यहाँ लेके आया, एडमिट किया उनको, मतलब प्रसव कराना था डिलीवरी के लिए, तो सीधी से लेके आया। मैं सुना था कि यहाँ वो संजय गांधी की कोई डॉक्टर हैं, वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट करती हैं। उनसे पहले भी मिले थे तो बोले थे कि हमारे यहाँ आप लाइएगा, मेरे यहाँ अच्छी दवा होगी, तो आप प्राइवेट उसमें हम अच्छे से कर देंगे। तो उसी आशा विश्वास के साथ हम यहाँ आए हुए थे और मेरे मरीज का जो है, मेरी बहन का ऑपरेशन भी किए, वो सारी चीज़ें ठीक थी। दूसरे दिन से बच्चा हुआ, वो भी सारी चीज़ें ठीक थी। 3-4 दिन तक सब चीज़ें चल रही थी और ठीक होने के बावजूद भी ये लोग लगातार आईसीयू में रखे हुए थे, जबकि हम उनसे बार बार बोल रहे थे कि उसको कम से कम जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दीजिए, तो मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। वहाँ चारों तरफ मशीनों से घिरे रहना उसकी वजह से उसको और दिक्कत होती थी। और एक चीज़ और था कि ये अपने हिसाब से फुल डोज देते थे उसी दवाइयों को। एक दिन में कोई मरीज को 20-20, 30-30 हज़ार की इंजेक्शन, मतलब दवाएं लग सकती हैं, क्या बताइए। और वो मतलब इतनी सारी दवाइयों का डोज उसको देते थे, पता नहीं है, दवाइयाँ ले जाते हैं, आधा रख लेते हैं या फिर आधा यूज करते हैं, जो भी जैसे भी हो। तो और तो जो भी था तो ठीक था, और लेकिन कल की रात को मेरी बहन सब ठीक थी, कुशल मंगल थी। सुबह हम कई बार उनसे बोले, एक दिन पहले से भी बोल रहे थे कि आप प्राइवेट में शिफ्ट कर दो, और इन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब कल की बात हुई तो सुबह में मैं बोला कि आप शिफ्ट कर दो, और ये तैयार भी हुए कि हो गया, फिर दोपहर में कर देंगे। दोपहर के बाद ये फिर बोले कि अब शाम को 6 बजे तक कर देंगे। 6 बजे के बाद बोले कि हो गया, 11 बजे तक आपका पैसा लगेगा इसका, ICU चार्ज का, तो आप उसमें रखे रहिए, फिर शिफ्ट करा लीजिएगा। तो हम बोले हो गया ठीक है, पैसा ठीक है, कह रहे हैं सिर्फ। फिर इसके बाद मुझसे इन्होंने क्या किया कि फिर 4-6 हज़ार की फिर इकट्ठा जो है दवाइयाँ मंगवाए, और फिर सारे इंजेक्शन वगैरह जो दवाई रही होगी तो फिर इकट्ठा उनको डोज दे दिए। डोज देने की वजह से मेरी बहन का, मतलब डिलीवरी में जो डिलीवरी हुआ था उसके, मतलब क्या होता है, ब्लडिंग बहुत ज़बरदस्त ब्लडिंग हुई। मुझे जानकारी नहीं हुई, मुझे बुलाए बाद में, बोले कि ऐसा ऐसी ऐसी बात है, ब्लडिंग हो रही है, आप खून कहीं से व्यवस्था करवाइए। और ताकि मैं बोला ये वो कैसे गया, बोले हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बस आप व्यवस्था कराइए। फिर इन्होंने क्या किया, उसको ऑपरेशन वगैरह किया, और कहते हैं कहीं कहते हैं बच्चेदानी निकालिए, कहीं कुछ कहते हैं, स्वस्थ मरीज था, सब कुछ कुशल मंगल था, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये था कि आप वहाँ से अगर डिस्चार्ज कर देते तो डायरेक्ट घर भी चले जाते। मैं आपको पूरा वीडियो और साक्ष्य दिखाऊंगा, मरीज का दिखाऊंगा, सारी चीज़ें, उसकी गतिविधियाँ, उसके बोल बत कहाँ, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। वो बोली भी है, वीडियो में बोली है कि मैं ठीक ठाक हूँ, ये लोग इतना ज़बरदस्त डोज देते हैं, डोज के कारण मुझे दिक्कत होती है यहाँ। क्या नाम था? सुमन शर्मा, सतना में ब्याही हैं। तो इनके लापरवाही की वजह से, क्योंकि इनका एक वो चलता है बहुत ज़बरदस्त, मतलब कहीं ना कहीं रैकेट चलता है, ये लोग क्या करते हैं कि मरीज को फंसा के रखते हैं। अगर मरीज़ ठीक ठाक हुआ तो फिर क्या करते हैं कि उसको कुछ ना कुछ ऐसे इंजेक्शन दे देंगे, उसको मतली आने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, कुछ आने लगेगा, तो उसको लगेगा नहीं गड़बड़ है, मरीज को खुद लगेगा, और फिर एडमिट कर लेते हैं कि नहीं आप आ रहे, फिर बताएंगे आप तो बहुत ख़राब है, अरे बड़ा क्रिटिकल केस है। मेरी बहन के साथ ऐसे ही बोलते थे कि अरे बड़ा क्रिटिकल केस है, कुछ भी नहीं था, ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें ठीक ठाक थी, मेरे पास वीडियो है, साक्ष्य है, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक, बोल रही थी कि आप डिस्चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं, आज चल सकते हो। लेकिन फिर भी ये ऐसे ऐसे, मतलब इनका एक हिसाब किताब जो रहता होगा इनकी टीम का, कि नहीं कुछ टाइम तक रखना है और निचोड़ना है, बहुत ज़बरदस्त निचोड़ते हैं, पता ही नहीं चलता, लगता है कि 25-50 हज़ार में काम हो जाएगा। पहले तो मैं सुना था कि हाँ आयुष्मान से भी काम होता है, उस सिलसिले में मैं आ गया कि आयुष्मान से ऐड है ये अस्पताल, तो आयुष्मान से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद
स्थितियाँ ये हुई कि पहले एडमिट कर लिए कि मतलब बोले अब बहुत ख़राब केस हो चुका है, अब जैसे पैसे वैसे जमा करवाइए। 60-70 हज़ार रुपये मुझे उसी दिन जमा करवा लिए थे, 70-80 हज़ार रुपये सारी चीज़ों का जमा करवा लिए थे। मैं सोचा अगर ख़राब बता रहे हैं तो समस्याएँ होगी, तो फिर ऑपरेशन वगैरह किया, जच्चा बच्चा को हो गया ठीक से, सब सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे लगा कि हो गया जो लगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त इनके यहाँ का बिल है, और इतना ज़बरदस्त यहाँ का, मैं बता रहा हूँ इतने सारे मरीज रोक जा रहे हैं। मैं यहाँ स्थिति ये है कि मेरी बहन डेथ हो चुकी है, शाम को ये लोगों ने ऑपरेशन किए, शाम को लेके गए ऑपरेशन किए, 12 बजे उनकी ब्लीडिंग हुई, और इसके बाद ब्लड वगैरह आया, ऑपरेशन वगैरह किए। क्या कैसे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते ही बहन मर गई लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि जब मुझे बुलाए कि आप मुझे यहाँ पे गार्ड वगैरह लगे रहते हैं तो बताते हैं कि इसके परिजन कौन है, तो जब परिजन के बुलाने आते तो हम लोग नीचे बैठे रहते तो बताते हैं हम भी हम ही हैं, तो बुलाते हैं कि सर आपको वहाँ बुलाएं हैं, आईसीयू में बुलाएं हैं, तो जब जाता है मरीज के परिजन तो फिर वहाँ स्थितियाँ पता चलती हैं कि क्या हो रहा है, तो वहाँ फिर पता चला कि वे इनको जो है तो वो लगा दिया, वेंटिलेटर में रख दिए, बोले ऐसी स्थिति आ गई। मुझे लगा हल्का फुल्का कुछ ब्लीडिंग वगैरह की कुछ वो जो इनका ऑपरेशन वगैरह होगा, मुझसे दस्तखत भी करवा लिए थे, कि मुझे लगा कुछ जो होता होगा इनका प्रक्रिया, मुझे क्या बताइए तो पूरा जान ले लेंगे, और पूरा जान ले लिए। फिर अभी तक गुमराह करके रखे थे सुबह तक, मैंने ठीक ठाक है उनका, मुझे लगता है ऑपरेशन करते करते मरीज ख़त्म हो गया था, और ये लोग क्या किए हैं कि ये लोग सुबह बताए, हम लोग पूछ पूछ के थक गए तब ये बताए कि नहीं अब मरीज आपका वो हो गया। फिर वो मैनेजर साहब एक हैं मनीष तिवारी जी हैं, तो वो कई बार कल भी परसों भी बार बार वो बोलते हैं आप पैसा नहीं जमा कर रहे हो, आपका पैसा इतना हो गया 20,000, 40,000, 50,000। मैं बोला कि मेरे मरीज हैं परिजन, मैं परिजन हूँ तो मैं पैसे तो दे ही दूँगा। आज फिर बोले कि आप पैसे जमा करो तब आपकी बॉडी जाएगी, मैनेजर है यहाँ के। कितना बिल बनाया हूँ? बिल तो समथिंग बिल मेरे पैसे कम से कम 1 लाख के करीब दवाइयों में लग गए होंगे, जांच वाँच में सब कुछ मिला के। बताइए कि 2-4 दिन में इतनी दवाई हो सकती है क्या? 50,000 का तो खून आ चुका है, बताइए कहाँ जाता है, किसको चढ़ाए हैं खून? और इसमें आयुष्मान भारत का पूरा है, और इतना जबरदस्त बेड चार्ज। मरीज का क्या नाम था? मरीज का सुमन शर्मा नाम था सर। 5 अभी एक पेशेंट की मौत हो गई आपके प्रार्थना हॉस्पिटल में, क्या पूरा मामला है? आपके ऊपर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि आपके लापरवाही के कारण पेशेंट की डेथ हो गई। देखिए जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, सुमन शर्मा पेशेंट, 29 तारीख को हमारे यहाँ आई थी पेशेंट, हमारे यहाँ अत्यंत गंभीर अवस्था में आई थी, जिनको अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। बेसिक जांचों में हमको पता चला है कि इनकी हार्ट की सर्जरी पहले हो चुकी है, जिसके लिए उनको खून पतला करने की दवाई चल रही थी। उसी समय परिजन को समझाया गया कि माँ की जान को खतरा है, यदि अभी तत्काल ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चे और माँ की दोनों की जान नहीं बचाई जा सकती। तत्काल उनका ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन के समय भी समझाइश दी गई परिजनों को कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उनका जो बच्चा हुआ था ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ, बच्चे की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तुरंत बच्चे को NICU में शिफ्ट कराया गया और उसको तत्काल प्रभाव से मैनेज किया गया। आज के डेट में बच्चा स्वस्थ है। उसके बाद मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, ICU में 3-4 दिन तक भर्ती रखा था। चूँकि उनको हार्ट की बीमारी की वजह से खून पतला करने की जो दवाई चल रही थी उसको बंद नहीं किया जा सकता था, उसको बंद करने से मरीज की जान को तत्काल खतरा था। लेकिन कल रात को अचानक उनका रक्त का स्राव हुआ, रक्त का स्राव 11 बजे हुआ, हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम आई, डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम, डॉक्टर एलएम सिंह सर, डॉक्टर हिमांशु पांडे, तकरीबन 4 से 5 घंटे ऑपरेशन चला, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि अत्यधिक रक्त का स्राव हो चुका है एवं मरीज के बचने की संभावना कम थी। अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मरीज की मृत्यु हुई। हमने अपना पूरा 100% एफर्ट लगाया, मरीज के इलाज में कोई लापरवाही नहीं की गई है, खुद अस्पताल ने सारी मरीज की खून की दवाइयों की व्यवस्था की है। हमारे पूरे प्रयास के बाद भी मरीज चूँकि बहुत गंभीर थी, इस वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, और इस चीज़ की जानकारी परिजनों को पहले ही दिन से थी कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है, उसको बचा पाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बच्चा भी स्वस्थ है और बच्चे की आज छुट्टी कर रहे हैं। आयुष्मान से इलाज नहीं हुआ है, ये पूरा क्या मामला है? देखिए ऑप्स और गायनी जो है वो MP में कहीं पे भी आयुष्मान नहीं दिया गया है, और हमारे पास आयुष्मान में सिर्फ सर्जरी, ऑर्थो, मेडिसिन और पीडिया का पोर्टल है। इसके अलावा हम किसी भी ब्रांच का, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो चाहे गायनिक सर्जरी हो, हमारे पास उसकी परमिशन ही नहीं है, तो हम इस वजह से उनका आयुष्मान से इलाज नहीं कर पाए। ये
ये पहले जानकारी थी आपने पेशेंट के परिजनों को बताया था? परिजनों को भर्ती होते समय सारी जानकारी दे दी गई थी कि आयुष्मान इस बीमारी के लिए हमारे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। ये जिनकी डेथ हुई है कितनी उम्र है? लगभग 34 इयर्स के आसपास उनकी एज है। ऑपरेशन कौन कर रहा था आपके यहाँ से? ऑपरेशन हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोना अग्रवाल मैडम है, उन्होंने ऑपरेट किया है। कितने ऑपरेशन हुए थे? ऑपरेशन तो उनका एक पहले ऑपरेशन हुआ था LSCS के लिए, जिसमें अपने बच्चे को स्वस्थ निकाला। उसके बाद दोबारा उनको जो ब्लीड हुई उसके बाद दूसरा ऑपरेशन कल रात को हमने लिया था। वेंटिलेटर पे कब रखा गया था? वेंटिलेटर पे आज सुबह ऑपरेशन के तुरंत बाद। मरीजों का आरोप है कि मृत्यु के बाद जो है वेंटिलेटर पे रखा गया। गलत आरोप है, कभी भी किसी भी मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे, यहाँ क्या, मैंने आज तक इतने साल की प्रैक्टिस में कभी किसी को नहीं देखा कि मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखा गया। सर कल ये लोग हमको अंदर रात में 2 बजे बैठा के अंदर समझाएं, बॉडी मेरी मैडम की वहीं पे ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद ये मेरे को वहाँ अंदर बैठा के समझाएं कि अभी 48 घंटे का इनको रिस्क है, अब मेरे को वहाँ देखने नहीं जाने दिए। जब मैं गया हूँ कोई खून उन देखने की, खून चढ़ रखने, खून नहीं चढ़ रहा था। उसी समय मैं अपनी मैडम के यहाँ सिर में हाथ रखा, ठंडी थी वो, मैं बार बार पूछ रहा था, मेरे उसके अलावा कोई नहीं। ये लोग इतना टॉर्चर किए हैं कि मैं अब क्या बताऊँ। मैं इसको गाली देता था। सोचिए, सुजीत शर्मा, सुमन शर्मा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।